सीट बेल्ट लगाना जरूरी है था, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट से बहुत जान बच जाती है। एक्चुअली एक्सीडेंट एयर बैग तो गाड़ी को देना मैंडेटरी है, कोई भी भारत की कंपनी अगर गाड़ी बनाई है तो उसके आगे एयर बैग देना पड़ेगा। एयर बैग ऐसा सिस्टम होता है, एक्सीडेंट होगा ना तो गाड़ी पे अगर ज्यादा झटका लगेगा तो आगे एक तो तकिया ऐसा खुल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने ना तो आपको इतना जोर से सीना पे चोट लगेगा ना कि टूट जाएगा, यहाँ पे व्यवस्था मर जाएंगे वहां पे। तो इसलिए अब सीट बेल्ट लगाना होता है। सीट बेल्ट गाड़ी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे आराम से खींचिएगा तो कितनों खींचा जाएगा, और जहां झटका से खींचेगा वहीं लॉक हो जाएगा। तो जैसे गाड़ी झटका लगेगा वहीं लॉक हो जाएगा, आप यहां रुक गए आगे एयरबैग हो गया, तो आपके एक्सीडेंट में मरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अभी एक बहुत प्रमुख साइरस मिस्त्री, उनकी गाड़ी BMW थी लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे, उनकी कोई लेडी चला रही थी, कौन अच्छा अभी एक, हाँ आज हो गया ना ऋषभ पंत, आज ही हो गया ऋषभ पंत का, तो वो तो जस्ट अभी की घटना है, दो चार घंटे पहले की होगा, आज आज ही का। तो उसमें आग लग गई उनके गाड़ी में, अभी जस्ट अभी हुआ है एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आग लग गई गाड़ी, तो ये तो एक अलग टाइप की घटना हो गई, पूरी गाड़ी जल गई है वहां पे, समझ में आ गया उत्तराखंड में। हाँ चलिए अब ध्यान से समझते हैं, तो आपको प्राण की स्वतंत्रता समझ में आ गया, आपसे कोई जीने का अधिकार छीन सकता है? कोई जीने का अधिकार आपसे नहीं छीन सकता। आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित कीजिएगा? अगर प्रेरित करते हैं पकड़ेगा तो हाँ, सब चीजों से बच के रहिएगा, समझ में आएगी ना क्या? और कभी भी एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं लाइफ का दिक्कत आता है जैसे पारिवारिक कलह होता है, तो कोशिश कीजिएगा किसी का भी सुने लेकिन माने घर वालों की, क्योंकि आपके घर को बचाने के लिए आपके ही घर वाले सोचेंगे, पड़ोसी नहीं सोचेगा कि आपका घर बस जाए यहाँ पर। अमूमन यही गलती होता है कि लोग दूसरे से सोचने लगते हैं यहाँ पर। लड़की लोग में अक्सर क्या होता था, दीदी से पूछती हैं, अरे दीदी बड़का भाई सुकरात ना है, समझ में गए? अरे पूछना है तो बढ़िया किसी दिमाग वाले से पूछो, दीदी बेटे आगे देखिए यहाँ पे।